पुरोहित धौम्य के आदेशानुसार युधिष्ठिर की सूर्योपासना और अक्षय पात्र की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शौनक जी का यह उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्य के पास आ गए और अपने भाइयों के सामने ही उनसे कहने लगे, भगवन, वेदों के बड़े-बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ-साथ वन में चल रहे हैं, उनके पालन पोषण की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। न तो मैं उनका पालन पोषण ही कर सकता हूँ और न उन्हें छोड़ ही सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? आप कृपा करके यह बतलाइए। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर पुरोहित धौम्य ने योग दृष्टि से कुछ समय तक इस विषय पर विचार किया। तदनंतर धर्मराज को संबोधन करके कहा, धर्मराज, सृष्टि के प्रारंभ में जब सभी प्राणी भूख से व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने दया करके पिता के समान अपने किरण करों से पृथ्वी का रस खींचा और फिर दक्षिणायन के समय उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर दिया, तब चंद्रमा ने उसमें औषधियों का बीज डाला और उसी के फल स्वरूप अन्न की उत्पत्ति हुई। उसी अन्न से प्राणियों ने अपनी भूख मिटाई। धर्मराज, कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य की कृपा से अन्न उत्पन्न होता है। सूर्य ही समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, वही सबके पिता हैं। इसलिए तुम भगवान सूर्य की शरण ग्रहण करो और उनके कृपा प्रसाद से ब्राह्मणों का पोषण करो। पुरोहित धौम्य ने धर्मराज को सूर्य की आराधन पद्धति बतलाते हुए कहा, मैं तुम्हें सूर्य के 108 नाम बतलाता हूँ, सावधान होकर श्रवण करो। सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, स्वरूप, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुचि, सौरि, शनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, यम, वैद्युत, अग्नि, जाठर अग्नि, इंधन अग्नि, तेजस्पति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, कला, काष्ठा, मुहूर्त, क्षपा, याम, क्षण, संवत्सरकर, अश्वत, कालचक्र, विभावसु, शाश्वत पुरुष, योगी, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंश, जीमूत, जीवन, अरिहा, भूताश्रय, भूतपति, सर्वलोक नमस्कृत, सृष्टा, संवर्तक वाहिन, सर्वादी, अलोलुप, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वतोमुख, क्षय, विशाल, वरद, सर्वधातु निषेचिता, मन, सुपर्ण, भूतादि, शीघ्रक, प्राणधारक, धनवंतरी, धूमकेतु, आदि देव, अदिति पुत्र, द्वादशात्मा, अरविंदाक्ष, माता पिता पितामह स्वरूप, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्षद्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचर आत्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय और करुणान्वित। धर्मराज, अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान सूर्य के ये 108 नाम हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इनका वर्णन किया है। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता, पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस और सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं, तपाए हुए सोने और अग्नि के समान जिनकी कांति है, उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य सूर्योदय के समय एकाग्र होकर इसका पाठ करता है, उसे स्त्री, पुत्र, धन,
रत्नों की राशि, पूर्व जन्म का स्मरण, धैर्य और श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पवित्र होकर शुद्ध और एकाग्र मन से भगवान सूर्य की इस स्तुति का पाठ करता है, वह समस्त शोकों से मुक्त होकर अभीष्ट वस्तु प्राप्त करता है। पुरोहित धौम्य की यह बात सुनकर संयमी एवं दृढ़वर्ती धर्मराज ने शास्त्रोक्त सामग्रियों से भगवान सूर्य की आराधना और तपस्या की। वे स्नान करके भगवान सूर्य के सामने खड़े हुए और आचमन प्राणायाम आदि करके भगवान सूर्य की स्तुति करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, सूर्यदेव, आप सारे जगत के नेत्र हैं, समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, आप ही समस्त प्राणियों के मूल कारण और कर्म निष्ठों के सदाचार हैं। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के उपासक अंत में आपको ही प्राप्त होते हैं। आप मोक्ष के खुले द्वार हैं और मुमुक्षुओं के परम आश्रय हैं। आप ही समस्त लोकों को धारण करते, प्रकाशित करते, पवित्र करते तथा बिना किसी स्वार्थ के पालन करते हैं। अब तक के बड़े-बड़े ऋषियों ने आपकी पूजा की है और अब भी वेदज्ञ ब्राह्मण आपके शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा समय पर आपका उपस्थान करते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, गुह्यक और पन्नग आपसे वर प्राप्त करने की अभिलाषा से आपके दिव्य रथ के पीछे-पीछे चलते हैं। 33 देवता, विश्वेदेव आदि देवगण, उपेंद्र और महेंद्र भी आपकी आराधना से ही सिद्ध हुए हैं। विद्याधर कल्प वृक्ष के पुष्पों से आपकी पूजा करके अपना मनोरथ सफल करते हैं। गुह्यक, पितृ, देवता, मनुष्य सभी आपकी पूजा करके गौरवान्वित होते हैं। 8 वसु, 49 मरुदगण, 11 रुद्र, साध्यगण और वालखिल्य आदि सभी आपकी आराधना से श्रेष्ठता को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत समस्त लोकों में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो आपसे बढ़कर हो। यो तो बहुत बड़े-बड़े शक्तिशाली जगत में निवास करते हैं, परंतु आपके प्रभाव और कांति के सामने वे ठहर नहीं सकते। जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ हैं, वे सब आपके अंतर्गत हैं। आप समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं। सत्य, सत्व और सभी सात्विक भाव आप में ही प्रतिष्ठित हैं। भगवान विष्णु जिस चक्र के द्वारा असुरों का घमंड चूर्ण करते हैं, वह आपके ही अंश से बना हुआ है। आप ग्रीष्म ऋतु में अपनी किरणों से समस्त औषधि, रस और प्राणियों का तेज खींच लेते हैं और वर्षा ऋतु में लौटा देते हैं। वर्षा ऋतु में आपकी ही बहुत सी किरणें तपती हैं, जलाती हैं और गर्जती हैं। वे ही बिजली बनकर चमकती हैं और बादलों के रूप में बरसती भी हैं। जाड़े से ठिठुरते हुए पुरुष को अग्नि से, ओढ़नों से और कंबलों से वैसा सुख नहीं मिलता जैसा आपकी किरणों से मिलता है। आप अपनी रश्मियों से 13 द्वीप वाली पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। आप बिना किसी की सहायता की अपेक्षा के तीनों लोकों के हित में लगे रहते हैं। यदि आपका उदय न हो तो सारा जगत अंधा हो जाए। धर्म, अर्थ और काम संबंधी कर्मों में किसी की प्रवृत्ति ही न हो। ब्राह्मण आदि द्विजाति संस्कार, यज्ञ, मंत्र, तपस्या और वर्णाश्रमोचित कर्म आपकी कृपा से ही करते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग का होता है, उसके आदि अंत के विधाता भी आप ही हैं। मनु, मनुपुत्र, जगत, मनुष्य, मनवंतर और ब्रह्मा आदि समर्थों के भी स्वामी आप ही हैं। प्रलय का समय आने पर आपके क्रोध से ही संवर्तक अग्नि प्रकट होता है और तीनों लोकों को जलाकर आप में स्थित हो जाता है। आपकी किरणों से ही रंग बिरंगे एरावत आदि मेघ और बिजलियां पैदा होती हैं तथा प्रलय करती हैं। आप ही 12 रूप बनाकर द्वादश आदित्यों के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रलय के समय सारे समुद्र का जल आप अपनी किरणों से सुखा लेते हैं। इंद्र, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु,
शाश्वत ब्रह्मा आदि आपके ही नाम हैं। आप ही हंस, सविता, भानु, अंशुमाली, वृषाकपि, विवस्वान, मिहिर, पूषा, मित्र तथा धर्म है। आप ही सहस्त्र रश्मि, आदित्य, तपन, गोपति, मार्तंड, अर्क, रवि, सूर्य, शरण्य एवं दिनकर हैं। आप ही दिवाकर, सप्तसप्ति, धामकेशी, विरोचन, आशुगामी, तमोघन और हरिताश्व कहलाते हैं, जो सप्तमी अथवा षष्ठी के दिन प्रसन्नता और भक्ति से आपकी पूजा करता है तथा अहंकार नहीं करता, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो अनन्य चित्त से आपकी पूजा और नमस्कार करते हैं, उन्हें आधी व्याधि तथा आपत्तियां नहीं सताती। आपके भक्त समस्त रोगों से रहित, पापों से मुक्त, सुखी और चिरजीवी होते हैं। हे अन्नपते, मैं श्रद्धा पूर्वक सबको अन्न देना और सबका आतिथ्य करना चाहता हूँ। मुझे अन्न की कामना है। आप कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। आपके चरणों में रहने वाले माठर, अरुण, दंड आदि उन अनुचरों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वज्र, बिजली आदि के प्रवर्तक हैं। शुभा, मैत्री आदि अन्य भूत माताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ, वे मुझ शरणागत की रक्षा करें। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भुवन भास्कर भगवान अंशुमाली की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अग्नि के समान देदीप्यमान श्री विग्रह से उनको दर्शन दिया और कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो, मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्न दान करूंगा। देखो, यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे रसोई घर में जो कुछ फल, मूल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी। आज के 14वें वर्ष में तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। जो पुरुष संयम और एकाग्रता के साथ किसी अभिलाषा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान सूर्य उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो बार-बार इसका धारण और श्रवण करता है, उसे उसकी अभिलाषा के अनुसार पुत्र, धन, विद्या आदि की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ करे तो घोर से घोर संकट से भी छूट जाता है। यह स्तुति ब्रह्मा से इंद्र को, इंद्र से नारद को, नारद से धौम्य को और धौम्य से युधिष्ठिर को प्राप्त हुई थी। इससे युधिष्ठिर की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गईं। इस स्तोत्र के पाठ से संग्राम में विजय और धन की प्राप्ति होती है, सारे पाप छूट जाते हैं और अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। जन्मेजय, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य से वर प्राप्त किया। तदनंतर जल से बाहर निकलकर पुरोहित धौम्य के चरण पकड़ लिए और भाइयों का आलिंगन किया। तदनंतर वह पात्र द्रौपदी को दे दिया। रसोई तैयार हुई, थोड़ा सा पकाया हुआ अन्न भी उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाता और अक्षय हो जाता। उसी से धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात भाइयों को खिलाकर तब यज्ञ से बचे हुए अमृत के समान अन्न का भोजन करते। युधिष्ठिर के बाद द्रौपदी भोजन करती, तब उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता। इस प्रकार युधिष्ठिर भगवान सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त करके ब्राह्मणों की अभिलाषा पूर्ण करने लगे। पर्वों पर यज्ञ होने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सबके साथ काम्यक वन की यात्रा की।